हाथरस के आगरा अलीगढ़ हाईवे पर शुक्रवार रात मैक्स वाहन और अलीगढ़ डिपो की रोडवेज बस की टक्कर हो गई। हादसे में खंदौली के सैमरा गांव के एक ही परिवार के 14, दो अमलखेड़ा और एक फिरोजाबाद के व्यक्ति की मौत हो गई। 10 लोगों की हालत गंभीर बताई जा रही है। मरने वालों में 6 बच्चे, 7 पुरुष, 4 महिलाएं हैं। दर्दनाक हादसा हाथरस में मीतई के पास हुआ। मरने वालों में 16 लोग आगरा के खंदौली में सेमरा के रहने वाले थे, वहीं एक फिरोजाबाद में दीदामई का रहने वाला था। आगरा में सेमरा गांव के मोहल्ला कारू में शुक्रवार देर रात एम्बुलेंस से सभी 16 लोगों के शव पोस्टमार्टम के बाद लाए गए तो मानो पूरे गाँव में मातम पसर गया। पूरा गांव रो पड़ा। किसी ने सोचा भी नहीं था कि एक साथ एक ही परिवार से 16 जनाजे उठेंगे। सभी लोगों के शव शनिवार दोपहर को सुपुर्द खाक किए गए। देखिए बहुत ही दुखद घटना है। कल 1:40 में ये लोग गए हुए थे, वहाँ से लौटते समय एक बस ने पिकअप में टक्कर मारी है, जिससे ये इतना बड़ा घटना हुई। 15 लोगों की मृत्यु हुई है। एक ही परिवार के ऐसी घटना कभी हमने अपने जीवन में नहीं देखी। बुजुर्ग भी बताते हैं इस तरह से कभी इतनी बड़ी घटना नहीं हुई कि एक ही परिवार के 15 लोगों ने को खोया हो। और ये हमारे गाँव की और हमारे पड़ोस की बिल्कुल दर्दनाक, बहुत ही दर्दनाक घटना है हमारे क्षेत्र के लिए। बेचारे 17 लोग काल के गाल में चले गए। वो अपनी बेटी के यहाँ से 1:40 जिसे हम लोग 13 भी बोलते हैं, उसमें से वापस आ रहे थे तो हाथरस बाईपास पर इनका एक रोडवेज बस द्वारा एक्सीडेंट हो गया, उसमें बेचारे 17 लोगों की दर्दनाक मौत हो गई। सेमरा के रहने वाले बेदरिया खां की बेटी असगरिया की दादी सास के 40वें में पूरा परिवार शुक्रवार दोपहर 1 बजे सासनी क्षेत्र के गाँव मुकुंद खेड़ा गया था। बेदरिया खां और उनके 4 भाइयों मुन्ना खां, चुन्नासी खां, नूर मोहम्मद और लतीफ के बेटे अलग अलग घर बनाकर रहते थे। मोहल्ले में उनके परिवार के कुछ और घर हैं। 5 भाइयों के बेटे, बहू, पौत्र और बेटियां सभी मुकुंद खेड़ा 40वें में गए थे। परिवार के 20 से ज्यादा लोगों में केवल बेदरिया खां का बेटा सोनू घर पर रुका था। लतीफ ने शाम 6 बजे फोन कर सोनू को बताया हाथरस में हादसा हो गया, 2-4 को छोड़कर सभी मारे गए। उसने परिवार के अन्य लोगों को बताया। धीरे धीरे बात पूरे गाँव में फैल गयी। मैजिक टेम्पो में 28-30 आदमी थे और ये इनकी लड़की की एक ससुराल में दे दिया, सास खत्म हो गई थी तो वहाँ पुआ खाने गए थे सासनी के पास मुकंदपुर गांव में। तो ये पुआ खा के वहाँ से लौट रहे थे तो ये क्या नाम है चंपा के पास नगला भुस है, उसके पास बाईपास में इनका एक्सीडेंट हुआ है। रोडवेज ने इसमें पीछे से रोना है, इसमें 17 लोग खत्म हो गए, बाकी सब हॉस्पिटल में है। बेदरिया खां का बेटा इशाद फेरी लगाकर कपड़े बेचता था। वो शुक्रवार दोपहर को घर देर से पहुंचा था, तब तक टाटा मैजिक निकल चुकी थी, इसलिए वह अपनी बाइक से ही पत्नी आविदा और 6 माह के बेटे आरिफ को लेकर मुकुंद खेड़ा के लिए चला गया। वहां 40वें में शामिल होने के बाद वह घर लौटने को तैयार हुआ। तब पता चला कि पिता बेदरिया खां को मुकुंद खेड़ा में रात को रुकना है, इसलिए वह पिता के लिए अपनी बाइक छोड़कर पत्नी और बेटे के साथ टाटा मैजिक में ही बैठ गया। हादसे में इरशाद की मौत हो गई जबकि पत्नी आविदा और आरिफ की हालत गंभीर है। सेमरा के लोग, एक ही परिवार के लोग, एक सामाजिक समारोह में हाथरस जा रहे थे। एक छोटे हाथी में लगभग 36 लोग थे। उनकी रोडवेज की बस से दुर्घटना हाथरस में हुई है, जिसमें 17 लोगों की मृत्यु हुई है, जिसमें बच्चे भी हैं, महिलाएं भी हैं और पुरुष भी हैं, लेकिन लगभग सभी एक ही परिवार के हैं। एक अमलखेड़ा और एक फिरोजाबाद से सभी लोग सेमरा गांव के ही रहने वाले हैं, मुस्लिम भाई हैं। घटना होते हुए मैं महाराष्ट्र में था, जैसे ही हमारे ये ग्राम प्रधान संजीव दिवाकर ने और जिला पंचायत सदस्य प्रभु चौहान और रोहित जी ने टेलीफोन पर बताया। माननीय मुख्यमंत्री से बात हुई, उन्होंने मुख्यमंत्री विवेकाधीन कोच से 2-2 लाख रुपए, प्रधानमंत्री राष्ट्रीय राहत कोच से 2 लाख रुपए और घायलों के लिए 50,000 का इलाज के लिए व्यवस्था की गई है। एक ही गांव के 15 लोगों की हादसे में मौत की खबर मिलते ही SDM अदमातपुर संगमलाल गुप्ता और ACP अदमातपुर पीयूष कांत राय गांव पहुंच गए। हादसे का शिकार हुए परिवार के लोगों से जानकारी ली। इसके बाद राजनीतिक दलों का तांता लगने लगा। पंचायती राज राज्य मंत्री प्रोफेसर SP सिंह बघेल और विधायक डॉक्टर धर्मपाल सिंह और विधायक योगेंद्र उपाध्याय ने पहुँच परिवार को संवेदना दी।
एक बड़ी दुखद दुर्घटना है ये, जिसमें एक ही परिवार के कई लोग या उनके रिश्तेदारों का निधन हुआ है और वो एक साथ लौट रहे थे, उसमें दुर्घटना हुई, दुर्घटना में निधन हुआ। कल रात ही मुझे माननीय मुख्यमंत्री जी के सचिवालय से और आगरा के जिलाधिकारी महोदय के यहाँ से स्वयं जिलाधिकारी महोदय ने सूचना दी कि ऐसे ऐसी घटना हुई है और मुख्यमंत्री जी ने निर्देशित किया कि आपको वहाँ रहना है। तो मैं इसीलिए मुख्यमंत्री जी के प्रतिनिधि के तौर पर यहाँ मौजूद हूँ, लेकिन दुख की घटना है और मानवता के नाते हम लोग यहाँ पर आए हैं। इन इस परिवार को इतना बड़ा दुख देने के लिए धैर्य प्रदान करें, ईश्वर से प्रार्थना करते हैं और जो मृतक आत्मा है उसको ईश्वर अपने स्थान चरणों में स्थान दे। तो कार्रवाई करेगी सरकार, जहां जैसी गलतियां होंगी और क्या हो सकता है वो बात की बात है, लेकिन फौरी तौर पर आदरणीय मंत्री के नेतृत्व में हम सब लोग आए हैं, शोक संवेदना व्यक्त करने भी आए हैं और जो पीड़ित परिवार हैं कोशिश होगी उनकी ज्यादा से ज्यादा मदद भी होगी। फिलहाल सूबे के मुखिया तक खबर पहुंचने पर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने दुर्घटना में जान गंवाने वालों के परिवार की आर्थिक मदद की घोषणा की है, घायलों का इलाज जारी है। सी न्यूज के लिए संदीप शर्मा की रिपोर्ट।